मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। हाउ आर यू? आई होप आप घर पे सब सेफ एंड फाइन होंगे। सेकेंड क्लास, टूडे वी विल टीच यू प्लेस वैल्यू। आज हम करेंगे प्लेस। देखिए, रीड करिए स्पेलिंग, PLACE, प्लेस वैल्यू। वॉट इज द मीन्स ऑफ प्लेस वैल्यू? आपने वंस, टेंस, हंड्रेड किया है ना, तो वो जो भी डिजिट दिए हुए वो कौन सी प्लेस पर है। वी यूज द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 टू मेक नंबर्स। ये सब नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। 4, दिस इज अ वन डिजिट नंबर। 42, दिस इज अ टू डिजिट नंबर। 121, दिस इज अ थ्री डिजिट नंबर्स। क्या समझ में आया आपको? देखिए, जो 4 है, सिंगल 4 है, ठीक है ना। अब ये टू डिजिट नंबर है, वंस, टेंस, ओके। 121, वंस, टेंस, 100, ये थ्री डिजिट्स नंबर हो गए, क्लियर। इन द नंबर 121 देर आर थ्री डिजिट्स, 1, 2 and 1। वन इज द वंस प्लेस, टू इज द टेंस प्लेस। देखिए, जो ये वन है ये वंस प्लेस पर है, क्लियर। टू टेंस और ये वन वंस प्लेस, वंस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। द पोजिशन और प्लेस ऑफ डिजिट इन ए नंबर टेल अस अबाउट द प्लेस वैल्यू। आया समझ में? जो क्या द पोजिशन और क्या किस पोजिशन में है, कौन सी प्लेस पर है, ठीक है। वन वंस की प्लेस पर है, टू टेंस की प्लेस पर है, वन हंड्रेड की प्लेस पर है, क्लियर। द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। वन इज द वंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज वन। टू इज इन द टेंस प्लेस, टू कौन सी प्लेस पर है? टेन। इट्स प्लेस वैल्यू इज 20। टू टेंस आर 20, वन वंस आर वन, टू टेंस आर 20। वन इज द हंड्रेड प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 100, कौन सी प्लेस पर है ये वन? हंड्रेड, तो 100। टू कौन सी प्लेस पर है? टेंस, टू टेंस मीन्स 20, क्लियर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दीज नंबर्स। अब बताइए, 140, जीरो कौन सी प्लेस पर है? वंस प्लेस पर। फोर टेंस मीन्स 40, ठीक है ना। वन हंड्रेड प्लेस पर है, मीन्स 100, क्लियर। वंस, टेंस एंड हंड्रेड, 140। 112, टू कौन सी प्लेस पर है? टू वंस प्लेस पर है, तो टू इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। वन कौन सी प्लेस पर है? टेंस, तो वन टेंस जा टेन। वन कौन सी प्लेस पर है? ये हंड्रेड, तो वन हंड्रेड कौन सी प्लेस पर है? ये हंड्रेड की प्लेस पर है, तो ये कौन सी प्लेस, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? हंड्रेड। ये प्लेस है और ये प्लेस वैल्यू है, ध्यान से समझिए। कौन सी प्लेस पर है? वन हंड्रेड, और प्लेस वैल्यू क्या होगी? हंड्रेड। 183, थ्री कौन सी प्लेस पर है? वन प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री का थ्री, थ्री वन जा थ्री। एट कौन सी प्लेस पर है? टेन, एट टेन जा 80। वन कौन सी प्लेस पर है? हंड्रेड, तो वन हंड्रेड, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक्सपेंडेड, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सपेंडेड? आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किस में हमें क्या करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स एक्सटेंड करना, किसी भी नंबर को विस्तार से लिखना, एक्सटेंड करके लिखना। जैसे आपके डिजिट दिए हुए 146, आपको पता है 6 वंस की प्लेस पर है, 4 टेंस पर है और 100 पर, बट इनको आप अलग अलग करके लिखना है। 1 को कैसे लिखोगे? 100 पर है, नहीं है, 100 लिखना है। 4 कौन सी प्लेस पर है? टेंस, 40, 6 वन है, तो 6 वन आएगा। कैसे होगा ये? 100 प्लस 40 प्लस 6, ये कहलाता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहलाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। सेम नीचे दिया हुआ है, 164 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो 100 160, 64 4 वंस की प्लेस पर है,
अब इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। देखिए वन लिखा आपने, वन के बाद में कितने नंबर है, वन टू, टू जीरो लगा देंगे। फिर सिक्स लिखा, सिक्स के बाद में कितने नंबर से, सिंगल नंबर है तो सिंगल जीरो आ जाएगा। फोर के बाद में कुछ नहीं तो फोर, तो 100, इनको अलग अलग करके लिखना 164। क्लियर? ऐसे ही आपका 102 है, ये 100 है तो 100 कर दिया। जीरो जीरो जीरो, जीरो टेंस पे, जीरो टेंस जीरो ही होता है, और टू वंस की प्लेस पर है तो टू वंस। क्लियर? चलिए अब अपन करेंगे एक्सरसाइज फोर, कलर द बॉक्सेस दैट शो द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड नंबर्स। कलर द बॉक्सेस दैट शो द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड नंबर्स। देखिए जो कलर्ड नंबर्स है ना, ये कौन सी प्लेस पर है ये बताइए, वंस और टेंस। टेंस की तो इसको आपको कलर करना है, ठीक है। टेंस की प्लेस पे मैं सर्कल बना देती हूँ। क्लियर? अब 136, सिक्स कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, हंड्रेड वंस की प्लेस पर है, तो आप इस पे सर्कल बना देंगे, कलरिंग कर देंगे। 135, 100 कौन सी प्लेस पर है, हंड्रेड की प्लेस पर है ना, वंस की प्लेस पे तो नहीं है ना, 100 वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस कौन सी प्लेस पर है, हंड्रेड की प्लेस पे, तो आप इसको कलरिंग कर देंगे। 110 वंस और टेंस कौन सी प्लेस पे, ये टेंस की प्लेस पे, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। क्लियर? 197 वंस टेंस हंड्रेड, सेवन कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है, ओके। 104 जीरो, जीरो कलर किया हुआ है देखिए, तो इसको बताना आपका कौन सी प्लेस पर है, वंस टेंस, टेंस के प्लेस पे। 111 100 कौन सी प्लेस पे, हंड्रेड के प्लेस पे। ए टू जी मैंने करवा दिया है, अब आपका एस टू एन आपको खुद को सेल्फ बुक में करना है, और जो पीडीएफ आएगा वो आपको नोटबुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मीन्स क्या बताया था मैंने, उसको एक्सटेंड करके लिखना है, विस्तार से लिखना है। क्लियर? 164 को अलग लिख दीजिए, 60 को अलग लिख दीजिए, 4 को अलग। क्लियर? अब बी है 179 170 19 200 200 0 0। क्लियर? 100 99 144। आया समझ में? देखिए 100 अलग करना है, 40 अलग करना है, 4 अलग करना है। अभी देखिए 144 100। अब क्या, राइट द नंबर्स, अब इनको नंबर्स में लिखना है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 100 प्लस 10 प्लस 7 117। देखिए 1 लिख दिया आपने, 1 के बाद में वापस 1 और ये 7, 100। अब 0 0 को हटाना आपको, 153। आप लोग कैसे रीड करेंगे, हाउ टू रीड, 153 180। अब कुछ भी नहीं है ना, देखिए 180। क्लियर? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, और ये प्लेस वैल्यू है। ओके बेटा, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।